आसनसोल मंडल में मदनकट्टा और जोड़ामू स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 603 और लाहाबन और सिमुलतला के बीच ब्रिज नंबर 676 की मरम्मत के लिए दिनांक 28 जनवरी 2024 को 13 घंटे 10 मिनट के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक की योजना बनाई गई। ये ब्लॉक 18/6/22 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के गुजरने के बाद शुरू होगा। परिणाम स्वरूप ट्रेनों के संचालन में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। 28 जनवरी 2024 को ट्रेनों के रद्दकरण 03618-03682 आसनसोल जसीडी आसनसोल पैसेंजर 03538-03539 जसीडी अंडाल जसीडी पैसेंजर स्पेशल 03769-03777-0 जसीडी झाझा जसीडी मेमो स्पेशल 03573-03574 जसीडी केवल जसीडी पैसेंजर स्पेशल 03233-03234 देवघर झाझा देवघर मेमो पैसेंजर स्पेशल 03675-03676 आसनसोल झाझा आसनसोल पैसेंजर 03581-03542 जसीडी बांका जसीडी डेमो स्पेशल 03677 आसनसोल जसीडी पैसेंजर 03571 जसीडी मोकामा मेमो स्पेशल 02-02-03-02-024 हावड़ा पटना हावड़ा सुपर फास्ट स्पेशल एक्सप्रेस 13029-13030 हावड़ा मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस 29 जनवरी 2024 को ट्रेनों का रद्दकरण 03572 मोकामा जसीडी मेमो स्पेशल 25 फरवरी 2024 तक ट्रेनों का रद्दकरण 22197 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस 28 जनवरी 2024 को ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन 13331 धनबाद पटना एक्सप्रेस को धनबाद गया और पटना के रास्ते चलाया जाएगा। 13332 पटना धनबाद एक्सप्रेस को पटना गया और धनबाद के रास्ते चलाया जाएगा। 17006 रक्सौल हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस को केवल भागलपुर रामपुरहाट सैंथिया अंडाल आस नसोल धनबाद के रास्ते चलाया जाएगा। 08440 पटनापुरी स्पेशल को पटना गया धनबाद आसनसोल के रास्ते चलाया जाएगा। 12317 कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस को धनबाद गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते चलाया जाएगा। 28 जनवरी 2024 को ट्रेनों का लघु शुरुआत लघु समापन 18183 टाटा आरा एक्सप्रेस की यात्रा आसनसोल में समाप्त की जाएगी और वापसी में इसकी यात्रा आसनसोल से शुरू की जाएगी। ये रेक 18184 के रूप में काम करेगा। आसनसोल और आरा के बीच इसकी सेवाएं रद्द रहेंगी। 18184 आरा टाटा एक्सप्रेस और आरा और आसनसोल के बीच की सेवा रद्द रहेगी। 13207 जसीडी पटना मेमो एक्सप्रेस की यात्रा झाझा से शुरू होगी और 13208 पटना जसीडी मेमो एक्सप्रेस की यात्रा झाझा में समाप्त कर दी जाएगी। 03273 देवघर पटना मेमू पैसेंजर की यात्रा झाझा से शुरू की जाएगी और 03274 पटना देवघर मेमू पैसेंजर को झाझा में समाप्त किया जाएगा। 28 जनवरी 2024 को ट्रेनों का पुनर्निर्धारण 13105 सियालदह बलिया एक्सप्रेस सियालदह से 3 घंटे के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। 15049 कोलकाता गोरखपुर एक्सप्रेस को कोलकाता से 2 घंटे 15 मिनट के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा। 13320 रांची दुमका एक्सप्रेस को रांची से 1 घंटा 30 मिनट के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा। 12361 आसनसोल सीएसएमटी मुंबई एक्सप्रेस को आसनसोल से 1 घंटा 15 मिनट के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा। 13021 हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस हावड़ा से 30 मिनट के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। 12375 ताम्बरम जसीडी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ताम्बरम से 30 मिनट के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा। 03563 आसनसोल जसीडी मेमो स्पेशल को आसनसोल से 30 मिनट के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा। 11428 जसीडी पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस को जसीडी से 2 घंटे पुनर्निर्धारित किया जाएगा। रेल डिवीजन आसनसोल ने रेल यात्रियों को होने दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।